नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 2 अस्थमा टैबलेट्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोकेमिक सेल साल्ट्स ऐसे तत्व होते हैं हमारे शरीर के अंदर, अगर उन तत्व की, उन मिनरल्स की, उन साल्ट्स की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है। बायोकॉम्बिनेशन नंबर 2 बायोकेमिक मेडिसिंस का एक मिक्सचर है, एक कॉम्बिनेशन है जिसमें अलग अलग तरह की बायोकेमिक साल्ट हैं, बायोकेमिक मेडिसिन है। और जब हम इन सबको मिक्स कर देते हैं और जब हम बायोकॉम्बिनेशन नंबर 2 लेते हैं तो हमारे शरीर में जो साल्ट्स की कमी हो गई है जिसके कारण एलर्जी हो रही हमें, जिसके कारण हमें अस्थमा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उन साल्ट्स की पूर्ति होती है और धीरे धीरे अस्थमा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो ये अस्थमा के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ बनता हो, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो, वीजिंग साउंड हो, साएं साएं की आवाज़ हो, एलर्जी सालों से हो, आपके मम्मी पापा को भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो और आपको ये जेनेटिक कारणों से हो गया हो, मतलब अनुवांशिक तौर पे आपको अस्थमा हो और आपके शरीर में उन साल्ट्स की कमी है, तो उन साल्ट्स की कमी को ठीक करने के लिए आपको बायोकॉम्बिनेशन नंबर 2 यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप मेडिसिन ये लेते रहेंगे वैसे वैसे अस्थमा आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेनी चाहिए, तो लास्ट में मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि बायोकॉम्बिनेशन नंबर 2 में कौन कौन सी बायोकेमिक मेडिसिन मिली हुई हैं। सबसे पहली मेडिसिन है बायोकॉम्बिनेशन नंबर 2 में बायोकेमिक मेडिसिन नेट्रम्यूर, और ये 6x में मिली हुई है। दोस्तों नेट्रम्यूर अगर बहुत ज़्यादा कफ़ बनता है और कफ़ के साथ साथ जो आपकी ब्रोंकस है वो बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं और उसके कारण न कफ़ निकल रहा है और न हवा अच्छे से पास हो रही है, साए साए की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और आपको ठंडी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम आपको ठंडी में बहुत ज़्यादा होती है और तकलीफ़ आपकी बढ़ जाती है। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है नेट्रम सल्फ, और ये 3x में इस बायोकॉम्बिनेशन नंबर 2 में मिली हुई है। दोस्तों नेट्रम सल्फ अगर कफ आपका हल्का सा येलोइश निकलता है और कफ जमा हुआ है, निकल भी नहीं रहा अच्छे से, और वीजिंग साउंड बहुत ज़्यादा है, एलर्जी बहुत ज़्यादा है आपको, और अस्थमा के साथ साथ आपको साइनस की भी प्रॉब्लम है एलर्जी के कारण, तब भी नेट्रम सल्फ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। इसको लेने से एलर्जी ठीक होती है और इसको लेने से अस्थमा ठीक होता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है मैकफॉस, इसमें 3x में मिली हुई है। दोस्तों मैकफॉस अगर आपको अस्थमा के कारण आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है मैकफॉस। दोस्तों अगर आपको गैस की भी तकलीफ़ है और गैस के साथ साथ आपको अस्थमा की भी प्रॉब्लम है तो मैकफॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों लास्ट में इसमें कालीफॉस भी मिली हुई है। दोस्तों कालीफॉस इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये हमारे दिमाग में असर करती है और दिमाग से ये धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करती है। तो जो एलर्जी की प्रॉब्लम है तो एलर्जी की प्रॉब्लम को कालीफॉस बहुत ही अच्छे से ठीक करती है, और कालीफॉस लेने से एलर्जी की प्रॉब्लम कम होती है, धीरे धीरे ठीक हो जाती है, और ऐसे ही अस्थमा धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ये चारों मेडिसिन इस बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 2 में मिली हुई हैं। अब चलते हैं कि अगर आपको अस्थमा है तो आप कैसे ये मेडिसिन यूज़ करें। तो दोस्तों अगर आपको अस्थमा है तो आप सबसे पहले 1/4 कप पानी लें। तो आप कप लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और गुनगुना पानी डालिएगा, और फिर उसके बाद बायोकॉम्बिनेशन नंबर 2 को लगभग 5 से 6 गोली उसमें डालिए और उसके बाद उसे घुल जाने दीजिए, अपने आप घुल जाएगी, और उसके बाद आप इसे पी लीजिए। आप सुबह पीजिए, दोपहर में पीजिए और शाम को पीजिए, मतलब 1/4 कप गुनगुने पानी में 5 से 6 गोली डाल के एक बार सुबह लेना है, ऐसा दोपहर में दोहराना है और आपको शाम को लेना है। ये मेडिसिन लगातार लेनी है, 2 दिन 4 दिन नहीं लेनी, ये मेडिसिन आपको 6 महीने 1 साल तक लेनी है, जब तक आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, इसके कोई भी किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट
नहीं है तो लंबे समय तक आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तब भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तब भी आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 साथ में ले सकते हैं। इसे आप लगातार लेंगे, धीरे धीरे आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम ठीक होगी, धीरे धीरे आपकी अस्थमा की दमा की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 के साथ आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेनी चाहिए। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा। तो अस्थमा पार्ट 2 वाला मेरा वीडियो है एक, और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ उस वीडियो का, तो आप देखिएगा। ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर, ग्रैंडियला मदर टिंचर, पोथोस मदर टिंचर, तीनों को मिलाइए। मिलाने के बाद 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लीजिए। साथ में एरेलिया रेसिमोसा 30 2 बूंद सुबह शाम पीजिए, और सल्फर 6CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह लीजिए, और बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 6 गोली सुबह दोपहर शाम लीजिए गुनगुने पानी के साथ। ये मेडिसिन लगातार लीजिए, 6 महीने 1 साल में आपका अस्थमा की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, और 1 महीने में ही आपकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो तो ठीक हो ही जाएगी, आराम लग जाएगा आपको। और फिर आप लगातार ये मेडिसिन लेते रहिएगा जब तक आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम पूरी जड़ से ठीक ना हो जाए। ये मेडिसिन बच्चे भी ले सकते हैं, बुज़ुर्ग भी ले सकते हैं, और जवान तो ले ही सकते हैं। तो अगर बच्चे ले रहे हैं तो आप 6 गोली की जगह बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 उसकी जगह आप 3 गोली दीजिएगा बच्चों को, और जो मदर टिंचर्स हैं 20 बूंद की जगह आप 10 बूंद दीजिएगा, और डाइल्यूशन 2 बूंद की जगह 1 बूंद दीजिएगा। दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 ये सभी होम्योपैथिक शॉप में अवेलेबल है, तो आपके आसपास कहीं पर भी होम्योपैथिक क्लिनिक या शॉप हो वहाँ से आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 लीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिया, फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो उनको जरूर व्हाट्सएप और फेसबुक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा उसमें, और नीचे मैसेज सेक्शन है तो अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर क्वेश्चन करिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।